पूरी कोशिश रहेगी कि भिवंडी शहर में एक भी मकान ऐसा ना हो, एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं हो जहां पे पानी न पहुंचे या पानी की कमी हो। आने वाले 2 सालों में मैं समझता हूं कि हम 100% भिवंडी ईस्ट को पानी जिसको कहते हैं उसकी समस्या से पूरी करें। दोस्तों बुजुर्गों, आज वर्ल्ड वाटर डे है, यानी कि पानी दिवस जिसको मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि पानी लोगों तक पहुंचाने के लिए कितनी जिद्दोजहद की जाती है। मैंने अपनी सियासत अगर शुरू की तो वो गोवंडी से शुरू की, जहाँ पानी की किल्लत थी। और नगर सेवक बनने के बाद जनाब अबू आसिम आजमी साहब के साथ मिलके गोवंडी के अंदर एक ऐतिहासिक काम हुआ और पानी का मसला हल हुआ। अब मदनपुरे में जहाँ पे बहुत से नए टावर आ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, वहाँ भी पानी के लिए 12 इंच की लाइन मौलाना आजाद रोड पे डालकर एक नया नेटवर्क बना के ऐसा माहौल बना रहे हैं कि वहाँ पे पानी की किल्लत आने वाले सालों में कमी ना हो। अब भिवंडी शहर जहाँ का मैं MLA हूँ, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है वहाँ पर। एक्चुअली पानी की किल्लत नहीं है, लेकिन पानी चोरी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए और मिसमैनेजमेंट और लीकेज की वजह से पानी लोगों तक पहुँच नहीं पाता। लेकिन हम आज इस वर्ल्ड वाटर डे पर ये अजायम करें कि भिवंडी में हम 100% लोगों तक, हर घर तक पानी पहुँचाने में कामयाब हों। इसके लिए आमदार बनते ही मैंने मुंबई महानगर पालिका से 2 MLD पानी यानी 2 लाख लीटर पानी एवरीडे मांगा। उन्होंने ये पानी हमको दिया भी है और अपने MLA फंड से 40 लाख रुपए पानी का नेटवर्क यानी कि पाइपलाइन डालने के लिए मैंने भिवंडी नगर पालिका को दिया है, जिसका टेंडर अभी बन रहा है और जल्द ही उसका काम चालू होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भिवंडी शहर में एक भी मकान ऐसा ना हो, एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं हो जहाँ पे पानी न पहुंचे या पानी की कमी हो। आने वाले 2 सालों में मैं समझता हूँ कि हम 100% भिवंडी ईस्ट को पानी जिसको कहते हैं उसकी समस्या से दूर करें। आज वर्ल्ड पानी दिन जिसको कहते हैं, उसके दिन पर मैं आप सबसे अपील भी करता हूँ कि पानी एक अल्लाह की नियामत है, आप उसको बिल्कुल जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। हम पानी बहाते हैं, पानी गटरों में जाता है और फिर हमारी बिल्डिंगें भी खराब होती हैं। वर्ल्ड पानी दिन पे हम सब पानी की अहमियत को समझते हुए पानी को बचाकर इस्तेमाल करें, यही मैं आपसे अपील करता हूँ। शुक्रिया।